पोकेमोन ट्रेनर्स के मरने के बाद आखिर उनके पोकेमोन्स का होता क्या है? दोस्तों, इस टॉपिक पर आपको यूट्यूब पर कहीं भी वीडियो नहीं मिलने वाली है। जब मैं डाल रहा हूँ अभी तो यूट्यूब पर एक भी वीडियो नहीं है, इसके बाद आ जाए तो मुझे नहीं पता, आप डेट देख लेना, फिर ये मत कहना कि कॉपी करता है। इसलिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, मेरे पास दो थ्योरीज हैं और पहली थ्योरी थोड़ी सी कम अगर आपको लग भी सकती है, लेकिन दूसरी थ्योरी बहुत ही ज़्यादा औसम होने वाली है और कोई भी उसको नकार नहीं सकता। तो चलिए जल्दी जल्दी आपको पहली थ्योरी बताता हूँ, फिर वो दूसरी औसम थ्योरी भी बताऊँगा। अभी हम एज्यूम करते हैं कि ऐश मर गया, सिर्फ एज्यूम करना है, और ऐश मर गया है और उसके जितने भी पोकेमोन्स हैं, आपको पता है पोकेमोन उसके जो भी होते हैं, जो उसके पास नहीं होते वो प्रोफेसर ओक के पास होते हैं। तो पहली थ्योरी यही कहती है कि है ना, ऐश के मरने के बाद उसके जो पोकेमोन्स हैं वो भी प्रोफेसर ओक के पास ही रहेंगे, क्योंकि उसके घर में इतनी जगह नहीं है कि 50-60 पोकेमोन 75 जितने भी उसने पकड़े हुए हैं सब उसके घर में रह सकें, और वो ऐसे ही वाइल्ड में भी नहीं छोड़ सकते। तो हो सकता है प्रोफेसर ओक उसे अपने पास रखें और बाद में जो भी वो होते हैं पोकेमोन की सुरक्षा करने वाले, वो उन्हें ले जाएं। ऐसा होने के बहुत ज़्यादा तक चांसेस हैं। तो चलिए थ्योरी नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, इस थ्योरी में इतना ही था। तो दूसरी थ्योरी क्या कहती है? दूसरी थ्योरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और हो भी सकता है कि आप मानो नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि है ना, ऐश के मरने के बाद, जब ऐश मर गया, मान लो हो गया खत्म कहानी खत्म ऐश की, तो अब जो ऐश का अगर बेटा है या उसके बच्चे हैं, तो उसके जो पोकेमोन्स हैं वो उसके बच्चों को दे दिए जाएं। हो सकता है, जैसे कि हमने कई बार एनीमे देखा है कि है ना, एनीमे में कि है ना, ट्रेनर्स अपने दादाजी या फिर है ना पिताजी का पोकेमोन लेके घूमते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ऐश के मरने के बाद ऐश और सेरेना, माफ करना, ऐश के बेटे के पास उसे दे दिया जाए पोकेमोन्स जो हैं ऐश के, जैसे कि पिकाचू, चार्जार्ड वगैरह, जो उसके लिए लायक हो। जैसे कि पिकाचू छोटा है, वो उसका जो बेटा है ऐश का, जो नौसिखिया होगा जब वो, तब वो उसे संभाल सकता है, और जब वो और ज़्यादा अच्छा ट्रेनर हो जाए तब उसे चार्जार्ड दे दिया जाए। ऐसा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और हाँ, एक फन फैक्ट ये है कि दोनों थ्योरीज मैंने खुद बनाई हैं, यानी कि फैन मेड थ्योरीज हैं। तो गाइज़, आज की वीडियो के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो, आपका क्या जाता है, मेरा ही फ़ायदा है, बस काम खत्म, आपका भी फ़ायदा है। आप बेल आइकन दबाओ, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।